इन बैड बच्चों से कि नहीं चलो आप लोग वहाँ। हेलो द पीपल ऑफ अर्थ, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो हम हरिद्वार से आ गए ऋषिकेश में। ऋषिकेश में हम जा रहे हैं राम झूला की तरफ। राम झूला ये है कि राम भगवान यहाँ झूला झूलते थे बचपन में, तो इसका मतलब ये है कि अयोध्या से वो ऋषिकेश आते थे झूला झूलने के लिए। ये क्या बात करता है यार। अभी 5 मिनट पहले मेरी एनर्जी पूरी डाउन हो गई थी, मैं एकदम, मुझे नींद आ रहा था क्योंकि मैं कल से नहीं सोया हूँ, रात भर ट्रेन में सफ़र किया। लेकिन फिर मैंने लिया कुल्हड़ वाली चाय, उसके बाद मेरे अंदर एनर्जी आ गई तो मैं फिर से एक ब्लॉग बना रहा हूँ। और मेरे जो बैग है ना, ये सबसे भारी बैग है, सबसे भारी बैग मैं लिया हूँ। लक्ष्मण रोड झूला भी चलना है। अरे दांत तो कंट्रोल कंट्रोल उदय, यहाँ चल रहा हूँ झूला, उसके बाद चलते हैं घर, आरती देंगे, चलते हैं ना फिर, पता नहीं कब आएंगे कि नहीं आएंगे। आया जान निकल जा रहा है चलते चलते, क्या जान निकल जा रहा है, दवा खा करके रहेंगे और क्या। तो फिर से शॉपिंग करते हैं इस वाले शॉप में, बहुत सारे सामान लेने हैं, जैसे कि ये बंदूक कट्टा वट्टा सब कुछ, क्योंकि गुंडागर्दी करना है। बिंदी का ऑर्डर आया है, और इसका ऑर्डर आया है, और सिंदूर का ऑर्डर आया है, और कड़ी का ऑर्डर आया है, तो ये खरीदना पड़ेगा। इधर से बिंदी ले लेंगे, यहाँ से कड़ा हो जाएगा। खाते हुए बस गए दोपहर के 2, 60 रुपए की प्लेट खाना है ये। एक्चुअली गाइस मैं थक चुकी हूँ, जो कि अब मैं बोर हो रही हूँ इन सब चीजों से। जहाँ मैं फर्स्ट बार गई थी वो मुझे अच्छा लगा, वहाँ का प्लेस भी अच्छा था, बट ये मुझे बिल्कुल 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 बोकस लग रहा है। अभी तो पहुंची कहाँ है वहाँ पे, ये तो पुल पे। वही मैं भी कह रही हूँ, ये तो ब्रिज लग रहा है मुझे, राम झूला तो लग ही नहीं रहा। ये राम झूला है भी नहीं, यहाँ पानी का बहाव इतना तेज दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को वीडियो में। तो गाइस यहाँ पूछने पे मुझे मालूम चला कि झूला वही था जो जिसपे हम चल के आ रहे थे, वही झूला था, उसका नाम था जानकी झूला। और वैसे ही सेम एक और झूला कुछ आ गया है, उसका नाम है राम झूला। तो जो ब्रिज है वही राम झूला, और वैसा ही एक लक्ष्मण झूला है। तो मुझे इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा क्या एक्चुअल में यहाँ पे राम झूला झूलते थे या फिर नहीं, पढ़ना पड़ेगा मुझे, आई डोंट नो। अगर आप लोग को पता है तो मुझे कमेंट में बताओ। और क्या राम झूला खुला हुआ है? राम झूला तो आ गया, राम झूला तो। ये कौन सा झूला है? ये झूला नहीं है, इसका नाम है जानकी ब्रिज। अच्छा जानकी ब्रिज है, झूला फिर कौन सा है? उसका राम झूले का रियल नाम है शिवानंद झूला। अच्छा लक्ष्मण झूला से ब्रिज बन गई, इसको लोग राम झूला खाने लगे। इतिहास है, स्टोरी है, महात्म्य लक्ष्मण झूले की। तो गाइस हुआ कि ये कि जब हमारे द्वार से देख लिए, अरे कौन सी माता जो हम बाद में गए थे पहाड़ पे चढ़ के, मनोकामना माता देखा। किस बात का झूला, किस बात का घूमने आए थे आप लोग? मनसा माता। तो मनसा माता जब हम आए तो हमारे एकदम एनर्जी लो हो गया था कि बहुत चला, हम रात भर सोए भी नहीं थे। तो उसके बाद हम सोचे कि हम नहीं जाएं कहीं पे। फिर ये महाराष्ट्र वाले भैया, केरल वाली दीदी और ये अहमदाबाद वाली दीदी, इनको इनका मन था कि घूमने का, वो कहीं अब यहाँ पे एक बार आ गए हैं तो क्यों ना हम राम का झूला देख लें और बाकी जगह देख लें। लेकिन क्या पता था भैया ऐसा जगह हमको मिल जाएगा। और आने में कितने पैसे खर्च हो गए हमें यहाँ आने में? 500, बहुत ज्यादा पैसे खर्च। हाँ बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो गए आने में, रिक्शा वाले ने बहुत लूटा। अगर आपको 1 किलोमीटर आगे जाना है तो आपको 20-30 रुपए ले लेंगे एक बंदे का। अगर हम 5 लोग हैं तो हमारा 200-300 बन जा रहा है। मेरी हेल्प करो, बोट पे घुमा दो। अच्छा बोट पे घूमना है क्या? हाँ अब यहाँ पे एक चीज दिख रहा है घूमने वाला, बोट पे। अब बोट पे मतलब राफ्टिंग करने का। आधा किलोमीटर आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा राम ब्रिज। राम ब्रिज में है कि वो छोटा है इससे, जानकी ब्रिज से, और वो ब्रिज ही है। जैसे कि आपने देखा कि आइसक्रीम वाले भैया बता रहे थे कि असली झूला है वो लक्ष्मण झूला, उसका ही इतिहास में रेलेवेंस है कुछ ऐसा उन्होंने बताया। मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ, मुझे एक्चुअली नहीं पता कि रेलेवेंस क्या है क्या नहीं। मैं पहली बार आया हूँ देव की भूमि हरिद्वार ऋषिकेश में, मुझे एक्चुअली कुछ नहीं पता। तो अगर आप लोग को कुछ पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके बाद मैं घर पर जाकर कुछ इसके बारे में पढ़ूंगा भी।
हेलो द स्टूडेंट्स ऑफ अर्थ, वेलकम टू माय न्यू क्लास। सो मैं हूं आपका मास्टर अमीगो और मैंने लिखाई पढ़ाई कर ली है और आप लोग को जा रहा हूं अपना ज्ञान अर्पित करने। तो पेन पेपर निकाल लीजिए, अब होने वाली पढ़ाई। सो पहले बात करते हैं जानकी ब्रिज के बारे में, जानकी सेतु के बारे में। सो जिस ब्रिज से हम अभी चल के आए हैं उस ब्रिज का नाम है जानकी सेतु, जिसकी लंबाई 274 मीटर और ये 20 नवंबर 2020 को बन के तैयार हुआ था। और ये उत्तराखंड का पहला 3-लेन पैदल पुल है, मतलब इसमें 3 लेन है, लेफ्ट और राइट में बाइक और साइकिल जाएंगी और बीच से लोग जाएंगे जो ब्रिज को देखने आए हैं। सो बात करते हैं राम झूला के बारे में। तो राम झूला हमारा 230 मीटर यानी जानकी सेतु से छोटा है और ये 1986 बना था, यानी कि ये भी बहुत पुराना नहीं है, अभी जल्दी का ही है। और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट झूला जो कि है लक्ष्मण झूला। उसकी लंबाई है 450 फीट यानी कि 137 मीटर लगभग। तो रामायण काल में जब लक्ष्मण और राम जब ऋषिकेश आए होंगे तो जब उस टाइम उनके सामने एक नदी पड़ी तो उस टाइम लक्ष्मण जी ने जूट का ब्रिज बना के, जूट होता है ना जूट, तो जूट का ब्रिज बना के वो नदी को पार किए थे। तो वहां से नाम पड़ा लक्ष्मण झूला का। तो पहला ब्रिज था वो बना था रामायण काल में, फिर जो सेकंड ब्रिज बना दूसरा वो 1889 में राजा राय बहादुर सूरजमल झुंझुनवाला ने बनवाया, जो कि लोहे का ब्रिज था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1924 में एक बाढ़ आया था तो उस बाढ़ में वो ब्रिज बह गया एंड बहने के बाद फिर से उस ब्रिज पे काम स्टार्ट हुआ। तो 11 अप्रैल 1930 में सरकार ने फिर से नया ब्रिज बनवाया जो कि लक्ष्मण, जिसका नाम पड़ा लक्ष्मण झूला जो अब तक है। तो आज हमने जाना कि ऋषिकेश में राम झूला भी है, लक्ष्मण झूला भी है, जानकी झूला भी है, जिनमें जानकी झूला सबसे नया है और सबसे लंबा भी है, उससे छोटा है राम झूला, सबसे छोटा और सबसे पुराना झूला है लक्ष्मण झूला है। लक्ष्मण झूला का हिस्ट्री से बहुत ही गहरा नाता है। तो आज की क्लास खत्म होती है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोग ब्लॉग एंजॉय करिए। या दैट्स इट, बोल रही थी इन बैड बच्चों से कि नहीं चलो आप लोग वहाँ, और मैं बहुत ज्यादा थक चुकी थी लेकिन फिर भी इन लोगों के पास पैसे इतने ज्यादा थे, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो, बोले एटीएम से पैसे निकालेंगे और यू करके उड़ाएंगे। यहाँ का प्लेस तो नाइस है बट यहाँ देखने की कुछ चीजें नहीं है। बस एक अच्छा प्लेस दिख जो रहा है वो है बस बोटिंग का, जो कि अब हम बोटिंग भी हमारा करने का मूड नहीं है क्योंकि गोवा में मैं बहुत ज्यादा बोटिंग कर चुकी हूँ। हे गाइस, हम सब यहाँ पे आए हैं इतने पैसे खर्च करके, तो मैं सोच रही हूँ कि इन लोगों का कोई पिक्चर वगैरह फोटोज वगैरह ले लूँ ताकि इन लोगों के पैसे जो है वो इन्वॉल्व हो सके इसमें। नाइस से प्लेस को देखने के लिए इन भैया को चोट लग गई है बहुत तगड़ी। हाँ, इनकी फट गई है, गलत बात है, सब कुछ फट कर नहीं करना चाहिए। यहाँ मुझे सबसे अच्छा लग रहा है नज़ारा यहाँ का, ये महिला घाट लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ। तो ये महिला घाट है यहाँ पे और यहाँ मुझे सबसे अच्छा लग रहा है, बल्कि हरिद्वार घाट से अच्छा मुझे लग रहा है। इस बेसिकली यहाँ पे पीस है तो पीस के लिए वी कैन डू एनीथिंग। मेरा आज यहीं पे मन कर रहा है नहाने का, लेकिन क्या बोल रही है, अब हो गया भाई बहुत ब्यूटीफुल। ये नहाने का एकदम प्लान कर चुकी हैं, अभी नहा के ही मानेंगी ये लड़कियां। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. How was my jumping? शाम के 5 बज गए और सूर्य इधर आ गए, अब सारे नहा चुके हैं, महाराष्ट्र वाले, अहमदाबाद वाले, केरला वाले, गोवा वाली मैडम सारे नहा चुके हैं, मैं रह गया नाना, नहा के चलते हैं फिर उसके बाद चलेंगे आरती में।